अभी लेफ्ट मार, लेफ्ट मार, लेफ्ट मार, लेफ्ट मार, लेफ्ट मार, लेफ्ट मार, मार मार, अभी उनके मुंह मत मार देना बस। टुडे इज़ आर फिफ्थ डे और आई थिंक सिक्स्थ डे इन गोवा। और अभी लंच करने के लिए हम लोग इधर मार्टिन्स कॉर्नर में आए, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको। अभी सुबह नाश्ता तो किया था, पूड़ी भाजी आलू पराठा खाया था दबा के। अभी एक्चुअली इतनी भूख तो लगी नहीं है, अभी चल के देखते हैं कितना खाने का होता है। थोड़ा सा खाएंगे, उसके बाद फिर कोला बीच जाने का प्लान है। वहाँ पे आई डोंट नो कायक होता है कि नहीं होता है, नहीं होगा तो भी वहाँ पे आई थिंक बैकवाटर टाइप थोड़ा सा है, केरला का बैकवाटर होता है ना वैसे टाइप का एरिया है वहाँ पे। तो वहाँ चल के थोड़ा सा पानी मस्ती करें, फिर वहाँ से निकल के जाएंगे वापस होटल की तरफ। अभी चलते हैं अंदर, लंच करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी अंदर बैठ गए हम लोग, अभी अभी लंच ऑर्डर कर दिया। एक किंगफिश ऑर्डर करी है, एक कालामारी ऑर्डर किया, एक फ्रेंच फ्राइज, और कुछ खाने में ऑर्डर नहीं किया ना, किंगफिश मसाला फ्राई, एक कालामारी ना बैटर फ्राई और एक फ्रेंच फ्राइज, बस अभी इतना ही किया। अभी पहुंच गए हैं कोला बीच की तरफ। आई डोंट नो आधा किलोमीटर का वॉक रहेगा, गाड़ी पीछे पार्क करी है, इधर धूल बड़ी खतरनाक है, बड़ा धूल वाला एरिया। मार्टिन से निकले थे काबो दे रामा जब लास्ट ईयर गए थे, वही वाला आधा रूट तो सेम था, उसके बाद से अभी यहाँ पे आए, इधर पहले कभी आए नहीं है। आई डोंट नो कितना चलना रहेगा, अभी लागून पर चलते, अभी 10 मिनट से चल रहे हैं, ट्रैक खत्म नहीं हो रहा हमारा। श्रेया को बहुत आनंद आ रहा है, नहीं श्रेया को ऐसे रोड बड़े पसंद आते हैं जहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ओह गॉड इसके फेस की खुशी दिख रही होगी आप लोगों को। अरे इतनी खा पी के कोई कैसे चल सकता है, इतनी खुश है। मार्टिन्स कॉर्नर में जो भी थोड़ा बहुत खाया वो सब उसे आधी पचा रहे हैं, सुबह की पूरी और आलू पराठा निकल रहा है इधर। अभी लोग गाड़ी लेके भी आ रहे हैं इधर, बट रोड उस लाइक नहीं है। 140 हो गई है, मैं रुक जाओ, शेर पकड़ी। अच्छा पीछे उधर का रोड देखो, कितना मस्त रोड है पीछे, चलते हैं। श्रेया ने अपना बोझा भी मुझे पकड़ा दिया। 20 मिनट चलने के बाद अब जाके पानी के सी के दर्शन हुए। इधर एंड तक भी गाड़ियाँ आती हैं, कुछ कुछ गाड़ियाँ आई हुई हैं, बट रोड अच्छा नहीं है, काफ़ी गाड़ियाँ भी स्लिप होती हैं क्योंकि ग्रिप नहीं मिलती, काफ़ी मिट्टी वाला रास्ता है। हमने बीच में देखा एक तो गाड़ी स्लिप हो रही थी, तो हमने तो शुरू ही पार्क करी थी। एक कार है लेके आती है कुछ 100-150 रुपये पर पर्सन लगता है अगर फुल हो तो, नहीं तो फिर आई थिंक 500 रुपये पर ट्रिप है, तो उसका नंबर मैं डाल दूँगा बीच में यहाँ पे, सो उसको कॉल कर लेना, तो फिर आप लोग जा सकते हो गाड़ी बुला के। कि हम जब आ रहे थे हमको शुरू में गाड़ी मिली नहीं थी, जब यहाँ पहुँचे तो एंड में गाड़ी वाला मिला, तो उसने नंबर दिया है, तो चाहते टाइम ट्राई करेंगे गाड़ी बुला के उसके नंबर से ही, उसी में जाएंगे, उसी में जाएंगे। ये चलना बड़ा भारी पड़ता है, यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ है एक्चुअली। अभी चलते हैं अंदर बैठते हैं। ये है लागून कोला बीच का बैक वाटर, इधर कायक हो रही है। रेट पूछा मैंने, 100 रुपये पर पर्सन हाफ एन आर है। और ये इधर सी का व्यू काफ़ी अच्छा है, इधर पीछे एक शेक भी रेस्टोरेंट, किसी को खाना पीना बैठे कुछ तो, और यहाँ पे रिजॉर्ट्स भी, इनका रेट तो मुझे पता नहीं अगर किसी को स्टे करना हो तो। अभी हम लोग तो चल चल के थक गए, अभी हम भी कायक ट्राई करते हैं।
सब कुछ पहले मोबाइल वोबाइल सब कुछ सिक्योर करें पहले, वाटर प्रूफ। काफ़ी सारे लोग कायक कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आ गए हम लोग इधर अंदर कायक करने। श्रेया बहुत अच्छी कायकिंग कर रही है, इधर आगे बैठी है, लेफ्ट पे लेफ्ट घुसा रही है, राइट में राइट घुसा रही है। इधर काफ़ी ट्रैफिक है, अभी ट्रैफिक एकदम तो, लेकिन मज़ा आ रहा है इधर, एकदम वाटर पार्क लग रहा है मेरे को पूरा। पीछे तो काफी ट्रैफिक था, आगे अभी कम है। आगे भी है, आगे लेकिन उतना नहीं है अभी जितना पीछे। पीछे तो टकराए हम लोग दो बार, बाकी लोग भी हमसे टकराए। सॉरी सॉरी सॉरी। अभी एक और एक्सीडेंट किया हमने, हमने नहीं साथ में सबने एक्सीडेंट किया। अभी फिर से होने वाला है, जस्ट लुक एट द ट्रैफिक। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा तू आगे हो जा ना। ट्रैफिक बढ़ रहा है। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है डेड एंड ही है, वहाँ से चालू किया था हमने, इसी वहाँ से। पर यहाँ पे लास्ट एंड पॉइंट है, अभी 10 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँचे, अभी भी 20 मिनट है हमारे पास वापस जाने के लिए। अभी शुरू करते हैं, प्राची वहाँ वेट कर रही है, फिर अभी नेक्स्ट ट्रिप प्राची को लेके आऊँगा मैं। पहले ये दोनों खुद ही नहीं ट्राई करे, बट मैंने बोला नहीं, फर्स्ट टाइम में तो एक को लेके जाता हूँ, वरना दोनों आएंगी तो पता नहीं, बहुत GPS थोड़ा सा लॉस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से करते हैं। राइट मार, फिर से राइट मार, जब तक सीधी नहीं हो राइट मार, और राइट मार, मारती रहे, अभी लेफ्ट मार, मार, अभी उनके मुंह मत मार देना बस, मुंह छोड़ दे उनका बेचारों का। हाँ अभी लेफ्ट नहीं, मेरी माँ उधर गंजंगर है, राइट मार, इधर इधर घूमना इधर। अभी श्रेया समझाएगी, समझा ना कैसे डायरेक्शन देते हैं, समझा जरा कैसे कायक करते हैं। कुछ नहीं, लेफ्ट पे कायक घुमाया तो राइट साइड मुड़ती है, राइट साइड घुमा तो लेफ्ट साइड घूमती है, और अगर हमें रिवर्स पे करना है तो ऐसे उल्टा घुमाना पड़ता। और तू कर यही रही थी अंदर? ऑफ कोर्स, देखो मैं सिखा के बोल के थक गई, ये मेरी बात ही नहीं सुनता। 7 से 8 बार पत्थर में कौन घुसा था, पूछे जरा इसको। मैं तो नहीं घुसी, तेरी गलती की वजह से। मेरी गलती घुसे थे? और वापस कौन लेके आया तेरे को वहां से यहां तक? मैं तेरे को लाई, देखो थैंक यू बोलना चाहिए। वो पता ही ना कितना सच बोलती है ये। मैं बहुत सच बोलती हूँ। कोई बात नहीं, बैठे रहो आराम से, बैठे रहो। चलते सीधा अभी पहले श्रेया को लेके आया था, अभी प्राची को लेके आया। अभी श्रेया उधर वेट कर रही है अभी हमारा। अभी थोड़ी भीड़ कम हुई है, ऑलमोस्ट 4:40 टाइम हो गया, अभी आधे एक घंटे में निकलेंगे। एक्चुअली ज़्यादा डीप नहीं है ये, मैक्स टू मैक्स चेस्ट लेवल तक है, अगर हाइट 5 feet 5 inch है तो। मैंने ये ओवर डाल के देखा था अंदर, तो ऐसे भी स्विमिंग कर सकते हो आप, लाइफ जैकेट की ज़रूरत नहीं है, डूबोगे नहीं। हम तीनों का पहला एक्सपीरियंस ही एक्चुअली काया का, इसमें अभी काया नहीं है।
अभी हो गया पानी में भीग भिगा के जितना भीगना था। अभी चलते हैं, यहाँ से एक घंटे की दूरी पर है हमारा होटल कोकोस बीच रिजॉर्ट पालो लेम पे। यहाँ से आने में आधा घंटा लगेगा, अभी निकलते हैं फटाफट। अभी अभी हम लोग का मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है। अभी आज के टाइम तो पैदल आए थे, अभी गाड़ी मिली थैंकफुली, तो गाड़ी से जा रहे हैं। पूरा जंगल सफारी होने वाला है। भाई रास्ते में जंगली जानवर रहते हैं क्या? हाँ, पूरा लेपर्ड पड़ा है अंदर। तू रे रुक जा इधर, रात को तुमको मिलना हो तो। मुझे नहीं रुक। तू तो इतना इंटरेस्ट से पूछ रही है। ये गया साल में उस वो ऊपर जो घर है ना, घर में घुसा था कुत्ते के साथ। लेपर्ड? हाँ, वो जो बच्चा गया ना गौरव, उसके घर में घुसा था। घर में फिर कुछ किया तो निकल गया वापस की भगाया? नहीं, पकड़ा उसको फॉरेस्ट आके पकड़ के लेकर। अच्छा, तो इधर आ रहे हो तो रात को भी थोड़ा केयरफुल रहो, जंगली जानवर रात को आते हैं। कुछ नहीं करते हम, 1-2 बजे भी रात को आते हैं इधर। अरे आपको कुछ नहीं करते, हम लोग को तो बोलेंगे नया नया फ्रेश मीट आया एकदम से। हाँ बोले एकदम संभाल के। आपको पहचानते है ना? हाँ, हमको पहचानते नहीं। बारिश के मौसम में ये बंद होगा ना? हाँ हाँ, अभी मई से बंद, मई 15 तारीख से बंद। मई 15 से बंद? हाँ। मई 15 से लेके कब तक? अक्टूबर तक। अक्टूबर तक, अक्टूबर 15 से फिर स्टार्ट। अच्छा, सुबह कितने बजे चालू होता है और कब तक, कितने बजे खत्म होता है? क्या ये आने आने कुछ टाइमिंग तो नहीं है ना रात सुबह रात का? सब कुछ सुबह 8 बजे से चालू रहता है, मतलब गाड़ी वाड़ी मिल जाती है जाने। अगर इधर आते तो गाड़ी नहीं मिलती तो मेन रोड पे एक घर है वहाँ पे स्कॉर्पियो रहता है, उसको कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको छोड़ देगा यहाँ पे अंदर तक, फिर अंदर से बाहर तक जो भी सीन रहेगा। इधर मोबाइल नेटवर्क कोई सा भी नहीं आता है? नहीं, हमने अंदर अंदर ट्राई किया। उसका वाईफाई है होटल में? हाँ, होटल का वाईफाई है, उससे अगर व्हाट्सएप कॉल किसी को कर सकते हो कर सकते हो, बट लोकल कोई मोबाइल सिम कार्ड का नेटवर्क नहीं आता यहाँ पे। 2 किलोमीटर है? 2 किलोमीटर ना, वही आते वक्त हमको लगा 5 मिनट लोग बोला, 5 मिनट मान ही रहे हैं, 15-20 मिनट लग गया करीब आने में, 20 मिनट तो एटलीस्ट। अभी फाइनली पहुंच गए हम लोग इधर। अभी 300 रुपये पर पर्सन, 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है। शुरू के 1 किलोमीटर में बहुत स्लाइट नेटवर्क रहता है, एंड में तो नेटवर्क आता नहीं है। अभी गाड़ी खड़ी है हमारी, बैठते निकलते हैं यहाँ से, ना बहुत चलना पड़ा था, 20-25 मिनट ऑलमोस्ट चलना पड़ा, रास्ता काफ़ी ख़राब है। अच्छी ड्राइविंग आती हो तो आना, अभी रखते हैं यहाँ से निकलते हैं होटल पहुँच के। मैं अभी पहुँच गया रूम पे, हम लोग अभी जस्ट पहुँचे। अभी टाइम अभी 6:20 हो रहा है, गाड़ी भी वापस कर दी हमने, बट काफ़ी दिक्कतें हुई। अभी रूम में बैठते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, कपड़े काफ़ी गीले हैं, वो कोला बीच में नहाए कायाक करके चेंज करते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर डिनर करने जाएंगे। तो अभी आज के लिए तो रखता हूँ मैं, आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट व्लॉग, मे बी टुमारो का व्लॉग या फिर डिपार्चर का जो फाइनल व्लॉग रहेगा गोवा से मुंबई जाने का, उसमें मिलते हैं।